हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी चैनल दोस्तों आज मैं से भी बहुत तो जो आपके में 100 में जाते हैं। सारा डाटा इसमें नहीं की हूँ वही डाटा है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड दोस्तों डोपिंग से रिलेटेड मैं तीन वीडियो बना चुकी हूँ जो आप चैनल के खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं एंड दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे सारे वीडियो हैं और मैं सारे वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ तो सभी वीडियो को आप वॉच कर लीजिए एंड उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके दोस्तों चलिए जानते हैं आज के टॉपिक डोपिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक पर दोस्तों पहला है आई ओ एम सी आई ओ एम सी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक मेडिकल कमीशन इसका गठन उन्नीस में किया गया और इसको आई ने उन्नीस में डोपिंग पर काबू पाने के लिए किया था एंड दोस्तों नेक्स्ट है वाडा जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका गठन हुआ दोस्तों 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में और इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में और दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष वाडा के हैं बिटोल्ड वाडा से, से नहीं पूछ सकता एंड दोस्तों एक तथा तो वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर यानी भारत में इसके प्रतिबंध के लिए क्या व्यवस्था किया गया तो भारत में इससे प्रतिबंध लगाने के लिए क्या हुआ कि आई ए एस एम यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की स्थापना 1970 में भारत में इस पे डोपिंग पे प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया और दोस्तों इसी के द्वारा आई के द्वारा डोप कंट्रोल सेंटर खोला गया यानी डोप कंट्रोल सेंटर का गठन किया गया कब उन्नीस सौ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया एंड नेक्स्ट है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो भारत में है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी इसका गठन वाडा के अधीन यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अधीन इसका गठन किया गया चौबीस नवंबर दो हजार पांच को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली चौबीस नवंबर दो हजार पांच को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसका मोटो है दोस्तों प्ले फेयर और इसके चेयरमैन होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट इंडिया मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट इंडिया यानी युवा एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं जो वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट इंडिया कौन है तो अनुराग ठाकुर जी हैं जैसा कि आप सबको पता होगा तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नाडा के चेयरमैन कौन है तो अनुराग ठाकुर एंड दोस्तों डायरेक्टर जनरल सीयू कौन है नाडा के इस समय तो नवीन अग्रवाल नेक्स्ट है दोस्तों कि पहला बार डोप केस कब मिला यानी पहली बार डोपिंग का केस कब मिला तो दोस्तों 1960 के रोम ओलंपिक में पहली बार डोपिंग का केस मिला डेनमार्क का रोड साइकिलिस्ट न्यूड जॉनसन डोपिंग का पॉजिटिव पाया गया और स्वर्ण प्राप्त करने के बाद यह मृत पाया गया और यह कौन सी दवा ले रखा था यह रोनिकल और एम्फिटामाइन उत्तेजक पदार्थ ले रखा था जो सहनशीलता को बढ़ाती है यानी कि रोनिकल और एम्फिटामाइन का अधिक सेवन कर लिया था जिसके कारण स्वर्ण पदक ये तो प्राप्त किया बट तो बाद में इसका मृत्यु हो गया तो कौन था वो डेनमार्क का रोट साइकिल न्यूड एनमोर्क जॉनसन नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम बार डोप टेस्ट की शुरुआत कब किया गया प्रथम बार डोप टेस्ट की शुरुआत कब किया गया तो उन्नीस सौ अड़सठ मैक्सिको सिटी ओलंपिक में कौन इसमें पॉजिटिव पाया गया स्वीडन के पेंटाथलीट गुनर निलिंजे वाल पॉजिटिव पाया गया तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बार डोप टेस्ट की शुरुआत किस ओलंपिक से शुरू हुआ तो उन्नीस मेक्सिको सिटी से कौन पॉजिटिव पाया गया था तो स्वीडन के पेंटाथलीट गुनर निलिंजे वाल नेक्स्ट है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कि डोपिंग के विरुद्ध शपथ की शुरुआत कब की गई वैसे तो दोस्तों शपथ ग्रहण की शुरुआत कब की गई है बताइए तो 1920 सौ ओलंपिक में आपका शपथ की शुरुआत ओलंपिक में हुआ है एंड ओलंपिक फ्लैग का भी शुरुआत 1920 में हुआ है तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन है कि डोपिंग के विरुद्ध शपथ ग्रहण की शुरुआत कब हुई वैसे पूछेगा दोस्तों कि ओलंपिक में शपथ की शुरुआत कब हुई तो 1920 सौ ओलंपिक में लेकिन पूछेगा कि डोपिंग के विरुद्ध शपथ की शुरुआत कब हुई तो 2000 के सिडनी ओलंपिक जो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था और शपथ कौन लिया था तो रैचेल हॉके जो ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी दल की कप्तान थी उन्होंने पहली बार डोपिंग के विरुद्ध 2000 के सिडनी ओलंपिक में शपथ लिया कौन लिया रैचेल होके एंड दोस्तों मेडिसिन शब्द नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द सबसे पहले कब आया तो 1928 में शीतकालीन ओलंपिक में स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द आया नेक्स्ट है दोस्तों यप आई एम कि या फाई या मस्क का फुल फॉर्म क्या है तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव एंड नेक्स्ट है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कि एथलेटिक ट्राई एंगल से क्या तात्पर्य है तो दोस्तों एथलेटिक ट्राई एंगल से तात्पर्य है एथलेटिक कोच तथा पेरेंट्स इन तीनों से को मिलाकर एथलेटिक ट्राई एंगल्स बोला जाता है तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वेरी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए तो दोस्तों आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड वीडियो को ज्यादा ज्यादा से अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए दोस्तों एंड आपके अंदर जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए एंड किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं उसको भी बताइए मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगी कि आज तक ओलंपिक में या किसी भी खेल इवेंट्स में डोपिंग में कितने खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो दोस्तों आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद